गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी? आज मैं आप लोगों को एक और नए एग्जाम के बारे में बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने नीट से संबंधित पूरी जानकारी दिया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, 12th पास करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है करियर को लेकर, कि हम कौन सा कोर्स करें और कौन से फील्ड में जाएं। तो आज मैं आप लोगों को CGPPST एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप CGPPST एग्ज़ाम दिलाकर मेडिकल फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को PPST एग्ज़ाम से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा कि PPST एग्ज़ाम क्या होता है, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी क्या होता है, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी करने के बाद आपको कौन कौन सा जॉब मिल सकता है, PPST एग्ज़ाम का आयोजन कौन करता है, PPST एग्ज़ाम दिलाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दिला सकता है, PPST एग्ज़ाम में पाठ्यक्रम क्या होता है, काउंसलिंग प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए होते हैं, PPST एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं PPST एग्ज़ाम क्या है। तो PPST का पूरा नाम प्री फार्मेसी टेस्ट होता है, जो कि स्टेट लेवल की प्रवेश परीक्षा है, जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में गणित एवं जीव विज्ञान के छात्रों को फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के किसी भी प्राइवेट या सरकारी कॉलेज में बी फार्मा या डी फार्मा का कोर्स कर सकता है और मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकता है। तो चलिए अब देखते हैं बी फार्मा और डी फार्मा क्या होता है। तो डी फार्मा, जिसका पूरा नाम डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, यह 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है। डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आप अपना स्वयं का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के रूप में जॉब कर सकते हैं, या आप चाहे तो डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा में प्रवेश ले सकते हैं। बी फार्मा में आपको डायरेक्ट ही सेकंड ईयर में प्रवेश मिल जाएगा। बी फार्मा, जिसका पूरा नाम बैचलर इन फार्मेसी होता है, या डिग्री कोर्स होता है, जो कि 4 वर्ष का होता है। बी फार्मा करने के बाद इसमें भी आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। बी फार्मा में जॉब के लिए ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं। आप प्राइवेट या सरकारी विभाग में फार्मासिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं, या मेडिकल रिसर्च विभाग में कार्य कर सकते हैं, या ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिलाकर ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर सकते हैं, या आगे पढ़ाई जारी रखते हुए एम फार्मा का PG कोर्स कर सकते हैं या फार्मा डी का कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं CGPPST एग्ज़ाम का आयोजन कौन करता है। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम प्रतिवर्ष इस परीक्षा का आयोजन करता है, जिनके माध्यम से बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स में एडमिशन दिया जाता है। PPST एग्जाम के लिए मानदंड या क्राइटेरिया क्या है? तो वह भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और अंग्रेजी विषय के साथ 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी को 45% अंकों के साथ 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो 12th में 40% अंकों की आवश्यकता होती है। वहीं हम बात करें आयु सीमा की, तो PPST एग्ज़ाम के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट मिलता है। यदि आप ST SC OBC वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप 33 वर्ष की उम्र तक PPST एग्ज़ाम दिला सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा का प्रारूप या एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो परीक्षा ऑफलाइन मोड यानी पेन और पेपर माध्यम में होता है। प्रश्नों की कुल संख्या 150 होती है, जो कि 150 अंक के होते हैं, जिसमें भौतिक के 50 प्रश्न 50 अंक के, रसायन के 50 प्रश्न 50 अंक के और जीव विज्ञान या गणित के 50 प्रश्न 50 अंक के होते हैं। प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है। वहीं एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है।
परीक्षा फॉर्म की बात करें तो पीपीएचटी एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म में बेसिक जानकारी भरनी होती है, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, आधार कार्ड का नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एग्जाम सेंटर का चयन करना होता है। वर्ष 2021 के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पीपीएचटी एग्जाम के लिए संभावित तिथि की घोषणा कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 22 अप्रैल 2021, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 मई 2021, आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु तिथि 17 मई से 21 मई तक, परीक्षा तिथि 17 जून 2021 और परीक्षा का समय होगा 2 बजे से शाम 5 बजे तक। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क होता है 200 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150 रुपये और यदि आप ST, SC या PWD से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए शुल्क होता है 100 रुपये। परीक्षा केंद्र की अगर बात करें तो परीक्षा केंद्र लगभग सभी जिला मुख्यालय में होता है। अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया की, तो पीपीएचटी एग्जाम के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होती है जो कि पीपीएचटी एग्जाम में प्राप्त अंकों एवं रैंक के आधार पर होता है। काउंसलिंग में विभिन्न फार्मेसी कॉलेजों के लिए सीट अलॉट किया जाता है। काउंसलिंग के लिए न्यूज़पेपर, ऑफिशियल वेबसाइट या आपके ईमेल आईडी या मोबाइल में जानकारी दी जाती है। काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए, तो 10वीं और 12वीं के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, सीजी पीपीएचटी एग्जाम का प्रवेश पत्र, सीजी पीपीएचटी एग्जाम का स्कोर कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र यदि आप आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं तो। अब बात करते हैं पीपीएचटी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो पूरे पाठ्यक्रम को समय के हिसाब से बांट लें और टाइम टेबल बना करके नियमित अध्ययन करें। 11th एवं 12th की पुस्तक को बार बार पढ़ें ताकि कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो सके। मुख्य बिंदुओं का शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि परीक्षा के समय सरलता से पूरे पाठ्यक्रम को रिवाइज किया जा सके। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को सॉल्व करें जिससे प्रश्नों की समझ बन सके कि किस प्रकार के प्रश्न पीपीएचटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मार्क टेस्ट दें जिससे प्रश्न पत्र हल करने में आसानी होगी। मार्केट में पीपीएचटी एग्जाम के लिए बुक अवेलेबल होता है, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं या यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पीपीएचटी एग्जाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। पीपीएचटी एग्जाम का पाठ्यक्रम या सिलेबस क्या है, तो स्क्रीन पर पाठ्यक्रम शो हो रहा है, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए।